जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के अप्रैल, मई और जून महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और मीन राशि के राशिफल में आपके प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, धन, कैरियर, स्वास्थ्य, नौकरी, परिवार, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मीन राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति जान लेते हैं कि इन तीन महीनों में ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या रहेगी। तो शनि देव 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। उससे पहले उनका गोचर मकर राशि में रहेगा और 29 अप्रैल 2022 को उनका गोचर कुंभ राशि में प्रारंभ होगा। गुरु 13 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 13 अप्रैल 2022 तक वो कुंभ राशि में रहेंगे। राहु 12 अप्रैल 2022 से पूरे तीन महीने मेष राशि में ही उनका गोचर रहेगा। इससे पहले उनका गोचर वृषभ राशि में रहेगा और केतु का गोचर 12 अप्रैल से तुला राशि में शुरू होगा। इससे पहले उनका गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा और सूर्य जो है तीन बार राशि परिवर्तन करेंगे। तीन महीनों में सूर्य का परिवर्तन तीन बार होगा। 14 अप्रैल को पहले वो मेष राशि में उच्च के होकर गोचर प्रारंभ करेंगे। उससे पहले उनका गोचर मीन राशि में रहेगा और 15 मई को दूसरा परिवर्तन वो करेंगे जब वो वृषभ राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 15 जून को उनका तीसरी बार राशि परिवर्तन होगा जब वो मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। और मंगल भी इन तीन महीनों में तीन बार राशि परिवर्तन करेंगे। पहला राशि परिवर्तन 7 अप्रैल को करेंगे वो जब वो कुंभ राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। उससे पहले उनका गोचर मकर राशि में रहेगा और 17 मई को दूसरा परिवर्तन वो करेंगे जब वो मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 27 जून से वो तीसरा राशि परिवर्तन करेंगे जब वो अपना मेष राशि में गोचर प्रारंभ करेंगे। तो मंगल का भी तीन बार राशि परिवर्तन होगा और शुक्र 27 अप्रैल से मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। इससे पहले उनका गोचर कुंभ राशि में रहेगा और 23 मई को दूसरा परिवर्तन शुक्र का होगा जब वो मेष राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 18 जून को तीसरा राशि परिवर्तन वो करेंगे जब वो वृषभ राशि में गोचर अपना प्रारंभ करेंगे। तो शुक्र का भी तीन बार राशि परिवर्तन होगा। बुध इन तीन महीनों में दो बार राशि परिवर्तन करेंगे। पहला राशि परिवर्तन 8 अप्रैल को वो करेंगे जब वो मेष राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे, मीन राशि से निकल कर आएंगे अपनी नीच राशि से, और दूसरा राशि परिवर्तन उनका 25 अप्रैल को होगा जब वो वृषभ राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो बुध का गोचर जो है दो बार राशि परिवर्तन होगी बुध की इन तीन महीनों में और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम आपको देते रहेंगे। तो ग्रह गोचर स्थिति इन तीन महीनों में इस तरह की कुछ रहने वाली है। चलिए अब राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल की चर्चा में सबसे पहले मीन राशि वालों के कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, कैरियर की बात करते हैं। मीन राशि वालों के कैरियर की बात करें, कार्य क्षेत्र की बात करें, तो दशम भाव में धनु राशि है और धनु राशि के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं और गुरुदेव का जो गोचर है 18 अप्रैल 2022 से मीन राशि में हो जाएगा। इससे पहले उनका गोचर कुंभ राशि में रहेगा। तो 13 अप्रैल 2022 तक व्यापार कारोबार में, नौकरी में आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर आप विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं तो उसमें लाभ आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप हॉस्पिटल से क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, कोई पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, कोई मेडिकल स्टोर चलाते हैं, कोई मेडिकल की दवाइयों की सप्लाई करते हैं, डॉक्टर हैं, तो उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा इस समय पर। और बाकी जो कारोबार हैं उनको 13 अप्रैल से जो है ज़्यादा फायदा मिलेगा। 13 अप्रैल से उनके गोचर अच्छा हो जाएगा जब वो मीन राशि प्रथम भाव में गुरु का गोचर हो जाएगा। वहाँ से परिणाम ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। वहाँ पर गुरु की जो पंचम दृष्टि पंचम भाव पर हो जाएगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर हो जाएगी, नवम दृष्टि नवम भाव पर हो जाएगी, तो आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा, व्यापार कारोबार में सफलता मिलेगी, व्यापारिक पार्टनर से लाभ मिलेगा, जीवन साथी अगर आपका कोई व्यापार कारोबार करता है तो वहाँ पर लाभ देखने को मिल सकता है, और आपके नौकरी क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी, आपके बॉस से संबंध आपके अच्छे रहेंगे, आपकी वाणी मधुर रहेगी। तो 13 अप्रैल से आगे का जो समय है
तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, और 13 अप्रैल तक का समय थोड़ा उतना अच्छा व्यापार कारोबार और नौकरी क्षेत्र के लिए नहीं दिख रहा है। धन की बात कर लेते हैं। धन के मामले में धन भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि आपके 7 अप्रैल तक मंगल का जो गोचर है वो मकर राशि में है, तो मकर राशि में है वो 7 अप्रैल तक, उसके बाद उनका गोचर कुंभ राशि में हो जाएगा, और फिर उनका गोचर कुंभ राशि में ये चलेगा आपका 17 मई तक, और 17 मई से वो मीन राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ आपके 7 अप्रैल तक अच्छा है, और उसके बाद 17 मई से बिल्कुल बढ़िया है। 17 मई से 30 जून तक का समय एकदम बढ़िया रहेगा धन के मामले में और पारिवारिक मामले में, और बाणी आपकी वैसे इन तीनों महीने अच्छी रहने वाली है 13 अप्रैल से लेकर, क्योंकि गुरु का गोचर आपके राशि में हो जाएगा और आपके राशि स्वामी भी हैं। बाकी धन के लिहाज से 17 मई से 30 जून तक का समय ज़्यादा बेहतर होगा, जब आपको धन के मामले में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और उससे पहले जो गोचर 7 अप्रैल से होगा 17 मई तक का, वो कुंभ राशि में गोचर रहेगा, तो यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर अपने खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलें, ये देखना आवश्यक होगा आपको कि आपके खर्चे फालतू के ना हों। फालतू के खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होगा, बजट बनाकर चलना बहुत ज़रूरी होगा, और स्वास्थ्य पर भी कोई खर्च हो सकता है, अपने स्वास्थ्य को लेकर, पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर, पति के स्वास्थ्य को लेकर, या बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, या परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी खर्च हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखकर चलें। लेकिन 17 मई से 30 जून तक का जो समय होगा उसमें आपको धन के फायदा मिलेगा। आपको अगर आप व्यापार कारोबार करते हैं, आपकी कोई पेमेंट कहीं रुकी हुई है तो वो उस समय प्राप्त हो सकती है, रुका हुआ धन मिल सकता है, और अचानक कोई लाभ भी मिल सकता है। व्यापार के मामले में भी धन के मामले में तरक्की होगी, और नौकरी अगर करते हैं तो वहाँ भी लाभ मिलेगा, और सरकारी कार्य क्षेत्र से भी लाभ मिल सकता है, और सरकारी जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए 14 अप्रैल से और आपका 15 मई तक का समय ज़्यादा बेहतर होगा, जब वो धन भाव में आपके छठे भाव के स्वामी हैं, हालांकि सूर्यदेव लेकिन वहाँ पर वो उच्च के हैं, तो परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। चलिए स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं और वो 3 राशियों में गोचर करेंगे, तो पहला तो उनका गोचर छठे भाव के स्वामी का 14 अप्रैल तक मीन राशि में ही रहेगा, तो जब मीन राशि में रहेगा वहाँ पर आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद उनका गोचर मेष राशि में हो जाएगा, वहाँ पर थोड़ा बाणी पर संयम रखकर चलें, और कोई भी आपको अगर स्वास्थ्य समस्या है तो वो उसका ध्यान रखकर चलना होगा, और आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखकर चलना होगा, बाकी वहाँ पर वो उच्च के होंगे तो परिणाम अच्छे ही मिलेंगे। और 15 मई से वृषभ राशि में आ जाएंगे, 3रे भाव में आ जाएंगे, वहाँ से भाग्य भाव पर दृष्टि भी रहेगी, तो लेकिन छठे भाव के स्वामी हैं तो आपको छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा, उन छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य पर कोई खर्च हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और 15 जून से वो मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखकर चलना होगा, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, तो इस तरह का कुछ परिणाम देखने को मिलेगा स्वास्थ्य के मामले में। बाकी तीनों महीने स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के मामले में छोटी मोटी समस्याओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता है, तो इस बात का ध्यान रखकर आप चलें, क्योंकि छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं और अष्टम भाव के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र का गोचर कुंभ राशि में रहेगा, और ये आपका 27 अप्रैल तक रहेगा, उसके बाद वो मीन राशि में आ जाएंगे, और फिर 23 मई से वो मेष राशि में जाएंगे, तो कुल मिलाकर इन तीनों महीने में स्वास्थ्य के मामले में अप एंड डाउन अवश्य देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य की समस्याओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर से परामर्श लें। कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता, स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तले भुने भोज्य पदार्थों से दूर रहें, बाहर का खाना खाने से बचें, इन सभी बातों का ध्यान रखना आपको बहुत आवश्यक होगा। चलिए आपके प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं, पहले शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है, चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे, तो कभी आपका मन थोड़ा विचलित भी हो सकता है, ज़्यादातर समय अच्छा रहेगा, लेकिन शनि की जो दृष्टि है 29 अप्रैल तक वहाँ पर रहेगी, तो आपको ज़्यादा मेहनत के बाद अप्रैल के महीने में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। तो अप्रैल के महीने में शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग विद्यार्थी हैं उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी, और बाकी शिक्षा के लिए सामान्य सा समय रहेगा इन 3 महीनों में। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में भी आपको अप्रैल के महीने में अपने प्रेमी या प्रेमिका की बातों का ध्यान रखकर चलना होगा।
अगर आपके प्रेम संबंध हैं और आपके प्रेम संबंध कहीं और भी हैं तो इस समय पर वो आपके प्रेम संबंध पता चल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मीन राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंधों के मामले में मिला जुला समय रहेगा और पंचम भाव पर मंगल और शनि की दृष्टि भी रहेगी, इसलिए प्रेमी प्रेमिका से थोड़ा सा व्यर्थ का वाद विवाद भी संभव है, इस बात का ध्यान रखें। एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें तो कई अड़चनों के बावजूद भी प्रेम मजबूत रहेगा। प्रेम में एक दूसरे के प्रति विश्वास बनाए रखना बहुत आवश्यक है, लेकिन 13 अप्रैल के बाद जब आपके राशि स्वामी का गोचर आपकी राशि में हो जाएगा तो उनके पंचम दृष्टि पंचम भाव पर हो जाएगी और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर हो जाएगी, नवम भाव पर भी दृष्टि गुरु की होगी, तो यहाँ पर आपको परिणाम अच्छे देखने को मिलने लगेंगे। तो 13 अप्रैल के बाद प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जो प्रेमी या प्रेमिका पहले से प्रेम संबंधों में हैं और अपने विवाह संबंध करना चाहते हैं यानी विवाह करना चाहते हैं तो 13 अप्रैल के बाद वो प्रयास कर सकते हैं। आपस में उनका प्रेमी या प्रेमिका भी राजी हो सकता है, अगर घर पर बात करनी है तो वहाँ भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको घर वाले आपके राजी हो सकते हैं। कुछ मीन राशि वालों का 13 अप्रैल से 30 जून के बीच में विवाह भी हो सकता है, और जो लोग सिंगल हैं, अविवाहित हैं और अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता भी आ सकता है, और जो सिंगल हैं प्रेमी प्रेमिका चाहते हैं, किसी मित्र को प्रेमी या प्रेमिका बनाना चाहते हैं, उनको प्रपोज करना चाहते हैं या चाहते हैं कोई जीवन में ऐसा साथी आए तो उनको 13 अप्रैल से 30 जून के बीच में ऐसा समय होगा जब उनकी ये तलाश पूरी हो सकती है। वैवाहिक संबंधों में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, वहाँ पर भी 13 अप्रैल के बाद ही ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। सप्तमेश बुध हैं और बुध का जो गोचर है 8 अप्रैल से मेष राशि में है और 25 अप्रैल से वृषभ राशि में है, तो ये गोचर भी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बुध आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं, तो अच्छा गोचर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शादीशुदा जिंदगी अच्छी रहेगी आपकी, 13 अप्रैल से ज़्यादा अच्छी रहेगी, 13 अप्रैल से आपके वैवाहिक संबंध ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अगर वैवाहिक संबंधों में कोई मन मुटाव चल रहा था, कोई गलत फहमियाँ चल रही थी, तो उनको दूर करने का समय है। आप 13 अप्रैल के बाद प्रयास करें, आपकी गलत फहमियाँ दूर हो सकती हैं। अगर आपके साथी के साथ कोई विवाद चल रहा था तो उसमें भी आप 13 अप्रैल के बाद सफलता पा सकते हैं। 13 अप्रैल के बाद अपने जीवन साथी का भरोसा जीतने का प्रयास करें, आपको भरोसा प्राप्त होगा। परिवार से जुड़ी हर बात इस समय पर आप अपने जीवन साथी से शेयर अवश्य करें, कोई ऐसा बर्ताव नहीं करें जिसकी वजह से जीवन साथी के मन में कोई भी शंका की गुंजाइश हो। जीवन साथी के साथ रिश्ते के लिहाज से आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप अपने साथी से बहुत सारी बातें छुपाएंगे तो आपके अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, यानी समस्याएं मिल सकती हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप सहज रहें और मन में कोई गलतफहमी ना पालें। जीवन साथी के बारे में अगर कोई बात आपके परिवार के लोग, आपके मित्र या कोई भी आपको बातें कहते हैं तो सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, अपने जीवन साथी से डायरेक्ट बात करें, किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल ना करें और किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप बर्दाश्त भी ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और कुछ लोग जो विवाहित हैं वो 13 अप्रैल के बाद और 30 जून के बीच में घूमने फिरने जा सकते हैं, उनका घूमने फिरने का प्लान अवश्य ही बन सकता है और अवश्य ही वो घूमने फिरने जा सकते हैं, बाहर घूमने का चांस बनेगा कुछ शादीशुदा लोगों का। तो सभी मीन राशि वालों के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ जातकों के लिए ऐसा जरूर होगा जब वो अपने साथी के साथ, अपने जीवन साथी के साथ कहीं भी घूमने फिरने जाएंगे। चलिए पारिवारिक संबंधों की बात कर लेते हैं। पारिवारिक संबंधों की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल का जो गोचर है वो 7 अप्रैल से कुंभ राशि में है और 17 मई से फिर वो मीन राशि में आ जाएंगे, तो पारिवारिक संबंधों के लिए भी 17 मई से 30 जून तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी जो मंगल हैं पहले तो 12वें भाव में शुक्र के साथ रहेंगे, तो पारिवारिक जीवन में वहाँ भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी किसी छोटी मोटी बात को लेकर व्यर्थ का वाद विवाद संभव है, लेकिन इसके बाद ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसके बाद जो है 13 अप्रैल से जब गुरुदेव वहाँ आ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, आपकी बाणी भी सही होगी, लेकिन जब तक आप अपनी बाणी पर नियंत्रण रखें, विवाद के दौरान कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें जिससे परिवार के किसी सदस्य के मन में आपको लेकर कोई गलतफहमी या कोई तनाव पैदा हो, इस बात का ध्यान रखें। और बाद में अगर देखा जाए 13 अप्रैल से 30 जून तक का समय सही रहेगा, भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा, बड़े बुजुर्गों की सलाह मशविरा आप अपनी पारिवारिक स्थिति को बेहतर करने के लिए अवश्य समय समय पर लेते रहें, इस बात का ध्यान रखकर चलें तो पारिवारिक जीवन में भी आपके अच्छा ही समय गुजर जाएगा, थोड़े बहुत संघर्षों से, अप एंड डाउन से इनकार नहीं किया जा सकता। तो इस तरह का कुछ गोचर का राशिफल रहेगा मीन राशि वालों का अप्रैल, मई और जून के महीने का।
चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप मंगलवार के दिन गुड़ और चना बंदरों को खिला सकते हैं या मीठे पेय बनाकर छोटे गरीब बच्चों को खिलाएं, इससे लाभ मिलेगा। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। और मंदिर में किसी पुजारी को चने की दाल या केले आप दान कर सकते हैं, गुरुवार वाले दिन करें तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मीन राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।